गोदाम भाई को फीमेल ये कह रही है कि तू मेरे को रख के देख, मैं तेरी किस्मत बना कायापलट कर दूंगी। दूंगी, हाँ किस्मत बना दूंगी। और हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आरजे गोट लवर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सुदाम भाई साहब के पास और मेरे दोस्त धर्मवीर भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे 6 लीटर दूध वाली गोट और जो बिट्टल, जो नस्ल की ओरिजिनल बिट्टल क्या होती है, बिट्टल बकरी के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। और 6 लीटर दूध वाली बकरी आपको दिखाएंगे आज। 4 दांत पे 39 हाइट के ऊपर बकरी है जो हमारे सुदाम भाई साहब बहुत ही तहदिल से खरीद कर लाए हैं। बहुत ही महंगी गोट खरीद के लेके आए हैं, जिसका भाई साहब से बात करेंगे सुदाम से पहले, फिर एक एक करके सभी भाइयों का इंट्रोडक्शन लेंगे। सुदाम भाई साहब नमस्कार, आरजे गोट लवर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत सर बहुत आपका स्वागत भी बहुत बहुत स्वागत है बटनेर एंटरटेनमेंट चैनल पे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे सुदाम भाई साहब। सुदाम भाई तहदिल से बहुत बहुत स्वागत है आरजे गोट लवर यूट्यूब चैनल पे। सर आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे आने के लिए। सुदाम भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर आज आपको दिखाने वाले एक फीमेल जो बिट्टल ब्रीड की ओरिजिनल फीमेल है, और बिट्टल ब्रीड की क्या क्या ऐसी निशानी है, सिम्टम है, जिसे अपने पता कर सकते हैं नया किसान या गोट फार्मिंग करना चाहता है उसको पता चले कि यही बिट्टल ओरिजिनल नस्ल है। ओरिजिनल बिट्टल की क्या पहचान होती है, क्योंकि लोग उल्लू बहुत बनाते हैं सुदाम भाई। और दूसरा माशाल्लाह वो भी दिखाएंगे कि इतनी यंग एज की पटिया मान लो आप इसको, और इतना दूध है और इतनी हाइट है, कैसे पहचानेंगे सुदाम भाई साहब? सर वो भी आपको दिखाते हैं। सर तकड़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है दोस्तों। सुदाम भाई साहब के साथ लगातार बने रहिएगा, और बटनेर सुदाम भाई साहब का यूट्यूब बटनेर एंटरटेनमेंट, बटनेर एंटरटेनमेंट जिसका लोगो मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। और सुदाम भाई साहब बकरी ले चलिए अंदर, आज खतरनाक चीज दिखाने वाले हैं। डायमंड दिखाएंगे आज आपको सुदाम भाई साहब का। कोहिनूर, कोहिनूर है ये, डायमंड भी नहीं बोलेंगे आज। तकड़ी इन्फॉर्मेशन होगी भाई सुदाम, ले चलो सुदाम भाई इसको ले चलो आज, आज दिखा देंगे आपको, आज बेड़ा पार कर देंगे सभी का। धर्मवीर भाई कर देंगे बेड़ा पार। सुदाम भाई पहली बात तो आप इस बकरी की जो आप इंफॉर्मेशन दीजिए हमें। सर पहले शानदार क्वालिटी देखिए जी, क्वालिटी सुदाम भाई साहब बिल्कुल। दोस्तों ऐसी फीमेल आपने कभी भी नहीं देखी होगी आज तक लाइफ के अंदर, क्योंकि आज जो ये जो गोट दिखाएंगे डायमंड आई है सुदाम भाई साहब का, आज ये डायमंड दिखाएंगे और इस डायमंड की आपको जानकारी देंगे कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। दोस्तों सुदाम भाई साहब से इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेंगे और खास बातें सुदाम भाई साहब से। सर पहले अपने बात करते हैं ओरिजिनल बिट्टल नस्ल की, जी जो बिट्टल नस्ल के क्या क्या सिम्टम है, क्या निशानी है जिसे अपने पता कर सकते हैं यही बिट्टल नस्ल है ओरिजिनल 100%। एक तो सर इसका माशाल्लाह आप रुबाब देखिए जी सुदाम भाई, ये है जी रुबाब ओरिजिनल बिट्टल नस्ल का जी सुदाम भाई। दूसरा माशाल्लाह आप इसका फेस पंच, सिंगों की बनावट जी सुदाम भाई, और कानों की क्वालिटी जी, ये है जी। सुदाम भाई साहब एक चीज में इसमें एक चीज देख रहा हूँ आपकी बाट को बीच में रोक रहा हूँ, कि लोग बोलते हैं वाइट आइज के अंदर होती है ये बिट्टल कलर जो गोट होती है, क्या ये अगर ओरिजिनल बिट्टल नहीं है? सर क्यों नहीं ओरिजिनल बिट्टल है सर? सुदाम भाई साहब इस चीज को आप थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या ओरिजिनल बिट्टल की वाइट आइज होना जरूरी है? नहीं है जी, ओरिजिनल बिट्टल वही नस्ल है जिसकी रेड आइज होगी। ये देखिए दोस्तों आप लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप किसी जिसके पास अच्छा फार्म है, बड़े जानवर रखता है वो, उसके से पूछना कि ओरिजिनल बिट्टल की व्हाइट आइज होगी या रेड आइज होगी, वो आपको रेड आइज ही बताएगा। ओरिजिनल बिट्टल जो रजिस्टर्ड चीज है वो रेड आइज बोलती है, क्योंकि ये आज का ट्रेंड बन गया है। और दूसरा सुदाम भाई साहब होने चाहिए, हाँ हाँ ट्रेंड, लोग भेड़ चाल हो गए जी सुदाम भाई साहब। और मेन रीजन है खूबसूरती, आंखों को नहीं रोकता जब आपकी खूबसूरती हो तो जी साहब। और इसकी गोट की खूबसूरती आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है दोस्तों। सुदाम भाई इस गोट की खास बात क्या है, इस गोट की खास बात बताइए। खास बात जी आप कैमरे में आपको दिख रही होगी, ये बोल रही है फीमेल खुद, खुद ही बोल रही है मेरी सुदाम भाई, खास बिल्कुल बात है। खुद बोल रही है फीमेल, फीमेल बोल के कह रही है कि मैं हूँ। सुदाम भाई को फीमेल ये कह रही है कि तुम मेरे को रख के देख,
मैं तेरी काया पलट कर दूंगी, किस्मत बना दूंगी। और सुदाम भाई साहब बिल्कुल ये बकरी आपकी किस्मत बनाने वाली है, आप इसकी क्वालिटी मेरे को बिल्कुल बताइए, गहराई से बताइए। सर पहले आप आगे का इसका हिस्सा देखिए माशाल्लाह। जी सुदाम भाई, और डबल पेटी की फीमेल है, अर्डर भी बेहतरीन है। जी सुदाम भाई, शायद आपने यूट्यूब पे और किसी चैनल पे इतने अर्डर की, आपको दोस्तों ऐसी फीमेल आपने बिल्कुल भी आज तक यूट्यूब किसी भी चैनल पे नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि ये फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है, अभी 15-20 दिन लेगी, प्रेग्नेंट फीमेल के इतने माशाल्लाह अर्डर है, इतना दूध है। आप बच्चे देने के बाद एक आधा दिन बंदा रोक के इतने अर्डर दिखा सकता है, दूध दिखा सकता है, पर प्रेग्नेंट बकरी के आप अर्डर नहीं मिलते, आपको अर्डर नहीं मिलेगा। सही बात है, ये है जी खास इसका सिम्टम। और माशाल्लाह दूसरा इसका आप पूंछ देखिए, पूंछ की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार पूंछ की क्वालिटी भी सुदाम भाई। और बिट्टल नस्ल को मापने के लिए पूंछ बहुत अहमिका निभाता जी सुदाम भाई, बिट्टल नस्ल की जो भी बकरियां होगी दोस्तों पूंछ के मामले में सबसे ज्यादा बड़ी होगी। बिट्टल नस्ल की क्वालिटी यही है कि दोस्तों उसकी पूंछ है सबसे ज्यादा मिलेगी। और सुदाम भाई सर क्या क्वालिटी थी बिट्टल में? बिट्टल नस्ल की आपको हाइट सबसे बेस्ट मिलेगी, हाइट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और सुदाम भाई साहब दूध में भी बेस्ट मिलेगी, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी। अभी इस बकरी का लाइव हम ऑर्डर दिखाएंगे आपको कि इस बकरी का, और ये बकरी भी नहीं है सर, ये अभी चार दांत की सेकंड टाइम की लोडेड फीमेल, चार दांत ओनली, चार दांत की बहुत ही तकड़ा क्वालिटी का बच्चा। और अपने 38 हाइट बताएंगे, पर इसकी 39 हाइट है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की वजह से इसके पैर नीचे के दबे हुए, थोड़ा ऊपर से वजन हुआ है ना इसके, तो इसलिए नीचे दब रही है। लगभग ये 39 हाइट है, अपने 38 बोलेंगे, 38 39 है। मेरे को ये सुदाम भाई 40 इंच टेप लगा के दिखाएंगे सर। जी सुदाम भाई इंच टेप लगा के दिखाइएगा। सुदाम भाई आप दांत देख लो, दांत दिखाइए, ये देखिए दोस्तों चार दांत पे है फीमेल फिलहाल, आप दांत देख ही लीजिए, ये देख लीजिए सर। और आपको इंच टेप लगा के फीमेल दिखाते हैं, इंच टेप लगाइए सुदाम भाई, इंच टेप लगाइए, बिल्कुल इंच टेप लगा के आप गोट की। सुदाम भाई साहब पहले इसका आप अर्डर दिखा दीजिए, इंच टेप कोई बात नहीं अपने लगाएंगे, लास्ट में लगा लेंगे। सुदाम भाई अडर दिखाएंगे फीमेल का। सुदाम भाई कितना लीटर दूध बताया आपने? सर 6 लीटर दूध है सर, 6 लीटर दूध है। वाह भाई साहब वाह, नजर ना लगे, बुरी नजर से बचाए गोट को, 6 लीटर दूध है गोट के। सुदाम भाई साहब चलाइए इसको, गोट को चला कर दिखाइए, देख लीजिए दोस्तों कितने टाइम की गाबिन है सुदाम भाई? 4 महीने 10-12 दिन की गाबिन, 4 महीने 10-12 दिन की गोट गाबिन है, और 6 लीटर दूध है, और 39 इसकी हाइट है, शाइनिंग देखिए फीमेल की। सुदाम भाई विट्टल गोट के अंदर कलर कौन सा होता है ज्यादातर? ज्यादातर सर चार ही कलर होते हैं, अगर अपने ज्यादातर मान के चलो तो 2 ही कलर है। जी सुदाम भाई, फुल जेड ब्लैक और लोया कलर, जो लाल कलर है, लोहा कलर बोलते हैं जिसको। और अगर बिट्टल में सबसे पसंद किया जाने वाला कलर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट बिट्टल का सबसे ज्यादा, आज की जनरेशन है जो सबसे खूबसूरत का कलर है ये। जी सुदाम भाई, और सुदाम भाई आपको इस गोट की 39 हाइट है, आप इसको इंच टेप लगा के दिखाइए, बिल्कुल सर, क्योंकि अपने किसी को झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, 6 लीटर दूध है दोस्तों। गोट का अडर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बहुत कम लग रहा होगा, अगर आप इस गोट को लाइव देखें, ये देखिए दोस्तों नीचे पूरा लगा लिए, और गोट का जो आपको हाइट है वो दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों 38 यहाँ है, और लगभग 39 इंच इसकी हाइट है। दबी पड़ी है गोट के पैर, आप देख सकते हैं बिल्कुल मुड़ चुके हैं खुर, क्योंकि बाहर की वजह से लगभग इसकी हाइट 38 यहाँ पे रह गया, ठीक है। और इसके बाद इतना आगे मान लीजिए 39 इसकी हाइट है, चार दांत पे। सुदाम भाई अभी ये और कितनी हाइट निकालेगी गोट? सर कम से कम ये फीमेल हाइट करेगी 42 इंच, 42 इंच, बिल्कुल सर। दोस्तों जब ये बकरी बच्चा दे देगी तब भी हम आपको, जी अगर ये फीमेल जैसे बच्चा देती गई 5-10 दिन में ये 40 हाइट हो जाएगी, क्योंकि सर अभी वजन की वजह से 5-10 दिन में 40 हाइट मेरे को लगता है। सुदाम भाई वजन से ये ना ये जो खुर है ना ये आप देख रहे हो ये पूरे 1-1.5 इंच नीचे दबे हुए, मैं देख रहा हूँ 1-1 इंच तो खुर ही दब चुके हैं इसके गोट के। सही है सही है। ये सुदाम भाई सब अडर को आप हाथ में पकड़ के जरूर दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये देखिए सर, देखिए दोस्तों जो फीमेल बच्चे दे चुकी है उसके अर्डर कम मिलेंगे इस टाइम में देखने को, पर ये ज्यादा खास बात है ये लोडेड फीमेल है, आप लोडेड है, अर्डर का साइज देखिए। जी सुदाम भाई बहुत ही बहुत शानदार कम है, फीमेल ऐसी देखने को मिलती है सर। जी सुदाम भाई, सुदाम भाई जब बच्चा देगी तभी हम हमारे जरूर सर इसकी वीडियो बनाएंगे, चाहे दोस्तों इस बकरी के लिए आप एक सब्सक्राइब जरूर बनता है,
वाह सुदाम भाई, सुदाम भाई ये फोर सेल के लिए है क्या? नहीं सर, ये फीमेल फोर सेल के लिए नहीं है, अपने खुद के फार्म के लिए लेके आए। इसके आगे रिजल्ट देख के फिर इनके बच्चे सेल करेंगे, क्योंकि अपना अपना रीजन है, अपना खुद का फार्म तैयार कर। जी सुदाम भाई, सुदाम भाई अगर किसी को ऐसी फीमेल चाहिए हो तो आप दिलवा देंगे? बिल्कुल अवेलेबल करवा देंगे सर। और ट्रांसपोर्ट का? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सुदाम भाई आप एक बार अपना नंबर हमारे व्यूअर्स को बताइए। 8003693829। दोस्तों ये नंबर है सुदाम भाई का, नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का। अगर सर किसी भाई को ऐसी फीमेल चाहिए तो वो भारी बजट में होगी, कम से कम 40-50-60 हज़ार तक होगी। सुदाम भाई ये फीमेल आप दिल से बताइए कितने की? सर मैं 60 हज़ार रुपए की खरीद करके लाया हूँ। 60,000 की फीमेल को? ऐसा भी नहीं कि ये फीमेल अपने बेचेंगे, इसलिए अगर मैं इसकी क्वालिटी सर एक चीज मैं और बताऊँ आपको, ऐसा भी नहीं कि मैं 60 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को ये फीमेल बेचनी है। मेरे को 1% सोचनी है कि ये फीमेल को मेरे को बेचनी है, चाहे मेरे को कोई 10 लगाए 20 लगाए 1,00,000 लगाए, अपने को बेचनी है। 1,00,000 रुपए मैं नहीं बेचूंगा इसको, पर इस जैसी फीमेल चाहिए तो अपने अवेलेबल करवा देंगे। और अगर किसी को 18-20-25 हज़ार की रेंज में फार्म के लिए चाहिए वो भी फीमेल आपको अरेंज करवा देंगे सर। जी, और ट्रांसपोर्ट आप इजीली? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट दे देंगे। हाँ, जहाँ पे नहीं होता तो आपको पहले बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ओके 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 साथियों, वीडियो को यही एंड करेंगे। और वीडियो को पहली बार है तो एक बकरी के लिए सब्सक्राइब आपका जरूर बनता है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए हर दिन आरजे गॉड लवर चैनल पर मिलती रहती है। और बटनेर भाई साहब है जो हमारे यूट्यूब चैनल है, उनके साथ मिलके एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी अच्छी ब्रीड ब्लड लाइन की गोट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और माशाल्लाह बच्चे देखिए आप, बच्चे भी दिखाइए सुदाम भाई, बच्चे भी दिखाइए। अब एक चीज आपको बताता चलूं, यही बच्चे मैं केवल सिंगल दूध पे छोड़ दूं, अच्छा तो ये बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे। अब ये सुदाम भाई इसके ऊपर अभी एक रिसेंट वीडियो निकालते हैं, क्योंकि इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अभी सुदाम भाई से बच्चे कैसे तैयार होंगे, मेरे पास बहुत सवाल आ रहे थे भाई साहब, बहुत ही ज्यादा, कि बच्चों को कैसे तैयार करना है।